एक पैरा मैं पढ़ाऊंगा, माई ग्रैंड मदर पैरा नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका है पहले पार्ट का लेसन वन का, लेसन वन का है पहला पैरा है बेटा, फर्स्ट है वन जिसको बोलेंगे, ठीक। वन क्या, माई, माई के बाद माई ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर डैड, फिर दे दिया यूज टू टेल बेटा। ये पहले लेसन का पहला पैरा है। पहले पैरा का हम आपको आज हिंदी में अर्थ बताऊंगा, ऐसे क्रम करके, ठीक है, क्रम करके अर्थ एक एक पैरा का बताता रहूंगा। जिस दिन ये ख़त्म हो गया तो आपको इसके बारे में रिफरेंस क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन को क्या होता है और नोट क्या होता है, काव्यगत सौंदर्य होता है। नोट मीन्स क्या होता है, नोट, नोट मिस होता है काव्यगत सौंदर्य। जैसे हिंदी पढ़ते थे ना वैसे इंग्लिश चलेगा, ठीक है। और राइट में लिखना होता है राइटिंग, राइटिंग माने होता है राइटिंग्स माने रचनाएं, रचनाएं या इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में पूरा हमने बता दिया है। अब राइटिंग माने क्या होता है उसके बारे में, इमोशनल हो जाता है दी, भावनात्मक हो जाता है, कोई बात सुनकर उन्हीं की भावनाओं का जो है पूरा वर्णन खुशवंत सिंह ने किया है। देखिए माई ग्रैंड मदर लाइक एवरी बॉडी ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर मिस होता है मेरी दादी माँ, लाइक माने तरह ही समान, एवरी बॉडी ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ हर किसी की दादी की तरह थी, वॉज एंड ओल्ड एक बूढ़ी महिला, मेरी दादी हर किसी बूढ़ी दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकलेड फॉर द 20 ईयर दैट आई नोन एज हर्स, कह रहा कि 20 वर्ष से मैं जब से मैंने उन्हें देखा है था वह बूढ़ी झुर्रियों से भरी हुई थी। वह बूढ़ी माँ उनका शरीर जो है चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। पीपुल सैड लोग कहा करते थे दैट कि सी हैड वंस बीन यंग आई एम पेटी, बहुत पहले यह भी सुंदर थी और क्या थी जवान थी। लोग कहा करते थे कि वह कभी युवती थी तथा सुंदर थी, वह कभी युवती थी और क्या थी सुंदर थी। बट एंड इवन हैड हस्बैंड और तथा उनका पति भी था, इसके अलावा उनका कौन था साथ में, युवती थी और क्या थी वह सुंदर थी तथा उनका पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन इन पर विश्वास करना लोगों को बहुत क्या था मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ पोर्ट्रेट हंग इन द मेंटिलो पीस ऑफ द ड्रामिंग रूम, लेकिन मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था।
उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी, उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी। ही रोग बिग टर्बन, अर्थात उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी, लूज फाइटिंग क्लाथे, और ढीले ढाले क्या पहने हुए थे कपड़ों को, लूज फाइटिंग माने ढीले ढाले। हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो है सफ़ेद दाढ़ी कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी, उनकी सुंदर लंबी दाढ़ी उनके सीनों तक क्या थी, सफ़ेद दाढ़ी लटकी हुई थी। एंड ही लुक्ड, वह दिखाई देते थे एज लिस्ट 100 years old, लगभग 100 वर्ष, जब ने हम देखा था उनकी उम्र हमें प्रतीत हो रही थी, लगभग कितने वर्ष के थे मेरे दादाजी, 100 वर्ष के। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वे कम से कम वे ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी पत्नी बच्चे हों, वो ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी क्या हों, पत्नी बच्चे हैं। हु हैव द वाइफ एंड चिल्ड्रेन, उनके पास पत्नी और बच्चे हैं। ही लुक्ड एज, वह ऐसे दिखाई देते थे या ऐसे मालूम पड़ते थे इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन जिनके केवल बहुत से पोते पोतियाँ हों, जिनके बहुत से पोते पोतियाँ हों। एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, कह रहा कभी कि जहाँ तक मेरी दादी जी के जवान था सुंदर होने की बात है, दिस सीम्ड द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग, वह घृणात्मक विचार की थी। सी ऑफन टोल्ड अस, वे हमेशा बताती थी, टोल्ड माने बताती है समय हमको, द गेम्स की बचपन में वह क्या खेला करती थी, वह हमसे बताती दैट कि सी यूज टू खेला करती थी, टू खेला करती थी एज द चाइल्ड बचपन में। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्व इन द अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, उनके लिए ऐसा करना मूर्खता था, अपमानजनक प्रतीत होता था। अगर हम लोग ऐसी बात को सोचते थे तो सोचती थी कि ये बड़े बच्चे बहुत मूर्ख हैं। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, उन्हें ऐसा मानते थे प्रतीत होता जैसा कि वे धर्मगुरुओं की, प्रॉफिट माने धर्मगुरु, इसी यूज टू टेलर्स, ऐसा प्रतीत होता था मालूम कि वह हमें धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थी। ये बेटा एक पाठ है, आज हमने आपको हिंदी बताया है, और फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या है कि क्या नहीं है। कह रहा है लेखक कवि कि माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक द एवरीबॉडी ग्रैंड मदर, उन सबकी दादियों के समान थी। सी हैड बीन हैंड रिंकलेड हर 20 ईयर, 20 वर्षों से जब से मैंने देखा था, आई हैड नोन, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, वह उनके चेहरे पर झुरियाँ पड़ी हुई थी। पीपुल सारे लोग कहा करते थे कि दैट की सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, बहुत पहले वह नवेती थी और सुंदर थी, एंड इवन हसबैंड, और इनके पति भी थे, और इनके पास पति भी थे इनके, बट दैट वे हार्ड टू बिलीव, लेकिन इन बातों को लोगों को विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर वो टाइट हैंग अबव द मेंटीलोप्स इन द ड्रामिंग रूम, मेरे दादी माँ का फोटो जो है दरवाजे के सामने ड्रामिंग रूम में लटका हुआ था। ही और ए बिग टर्बन, वह एक बहुत बड़ी पगड़ी अपने सर पर बांधी हुई थी, एंड लूज फाइटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हीज लॉन्ग, उनकी लंबी दाढ़ी, वाइट बियर्ड कवर्ड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, उनके छाती तक सफ़ेद लंबी लंबी दाढ़ियाँ लटकी हुई थी। एंड ही लुक्ड लाइक लिस्ट 100 years old, और देखने में लगते थे वो कै साल के होंगे, 100 साल के, कितने साल के बच्चों, ठीक 100 साल के। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह ऐसे व्यतीत नहीं होते थे हु हैव द वाइफ चिल्ड्रेन, उनके पास बच्चे भी होंगे और पत्नियां होगी। ही लुक्ड एज, वह ऐसे दिखाई दे रहे थे ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड
चिल्ड्रेन, उनके बाद बहुत नाते पोते पोतियाँ होंगे। एज फॉर मेनी ग्रैंड मदर बींग यंग एंड पेटी, उनकी दादी माँ बहुत सुंदर और नवीती महिला थी। द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवेल्टिंग, वे धर्म गुरु वाली महिला थी। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम, वह हमेशा खेला करती थी बच्चों के साथ, हमेशा वह खेल को खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्व इन द अनडिग्निस हिज पार्ट एंड ट्रीटेड इज लाइक द फेबल ऑफ द परफेक्ट सी यूज टू टेल, वह हम लोगों को अच्छी अच्छी धर्म गुरुओं के विषय में कहानियाँ सुनाया करती थी। बच्चों आज के लिए मैं इतने हो गया, मेरा एक पारा हुआ, पहला 11 का है बेटा, और पहला पारा हुआ है। अब बारी बारी से एक एक पारा पढ़ाते रहेंगे, तो उसके बाद आपको इंग्लिश में इसकी सब कुछ बताएंगे, ठीक है? ओके, धन्यवाद।